हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल VVSAORG पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द C++ 14 एंड 17 फीचर्स व्हिच इज नोन एज फोल्ड एक्सप्रेशन। सो फोल्ड एक्सप्रेशंस क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरियाडिक टेम्पलेट्स के बारे में, जहाँ पे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आप पास कर सकते थे एक फंक्शन में, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते थे एक टेम्पलेटाइज फंक्शन में, और वहां पे वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम किस तरीके से अनपैक करते थे वो आपने देखा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फोल्ड एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं, वो भी वेरियाडिक टेम्पलेट का ही एक वेरिएशन होता है। तो आज हम उसको देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। छोटा सा वीडियो होगा, इसके बारे में बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा वेरियाडिक टेम्पलेट एंड आपका जो फोल्ड एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है फोल्ड एक्सप्रेशन। सो मैंने फिर वही पुराना कंपाइलर, अपना ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो टेम्पलेट क्लास, और यहाँ पर थ्री डॉट्स यानी वेरियाडिक टेम्पलेट का मैंने फॉर्मेट यूज किया है यहाँ पर, और यहाँ पे टाइप का नाम दिया है जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करेगा, जिसके लिए वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास होंगे उस टाइप के लिए। तो इट्स अ जेनरिक टाइप जिसके लिए वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास होंगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है ऑटो सम, यहाँ पे नाम दिया है उस टाइप का, एंड देन थ्री डॉट्स जो मैंने लगाए हैं ये बता रहे हैं कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं। एंड देन आई हैव रिटन द नेम ARGS जो पैक होकर के आएंगे, जो नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम पास करेंगे इस फंक्शन में सम में, वो सारा का सारा ARGS में ही पैक होकर के आएंगी सारी वैल्यूज। उसके बाद उन वैल्यूज को अनपैक करके हम क्या करना चाह रहे हैं, सारी की सारी वैल्यूज जो पास होंगी उनको आपस में जोड़ना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो ये फोल्ड एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली यही काम करता है। इट अप्लाइज द बाइनरी ऑपरेशन टू अ सेट ऑफ पैरामीटर पैक्स। ठीक है, जो कुछ भी पैरामीटर हमने इसमें भेजा है उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेगा, यानी जो भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन जो कुछ भी है वो इस पर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये अप्लाई करता है। मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा है, सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है सम, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया है, थ्री डॉट्स लगाए हैं, उसके बाद आपको प्लस लगाना है। ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा, थ्री डॉट्स एंड देन प्लस या माइनस या जो भी बाइनरी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं उन सारे आर्गुमेंट्स पे जो आपने पास किए हैं फंक्शन में, वो यहाँ पे ऑपरेशन के लिए सिंबल वो ऑपरेटर आप यूज करिए, और उसके बाद आप लिखिए ARGS जिसमें कि वो सारे आर्गुमेंट्स पैक होकर के आए हैं। ये अपने आप इन सारे आर्गुमेंट्स को अनपैक करेगा एंड इट विल अप्लाई द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑल दोज आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट के एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने वो वैल्यू रिटर्न कराई है जो ये सम फंक्शन रिटर्न करेगा, एंड आई हैव पास फाइव आर्गुमेंट्स, 1 2 3 4 5। सो लेट सी कि क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि जो कुछ भी मैंने आर्गुमेंट इसमें पास किए हैं वो सारे के सारे एड होकर के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप आपने देखा होगा ऑटो मैंने दिया हुआ है, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स द रिटर्न टाइप, तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑटो दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये करता क्या है, इंट के इसके अंदर k के अंदर आता क्या है, ये वैल्यू प्रिंट क्या होती है। सो लेट्स सी, मैंने पहले ही एग्जीक्यूट करा रखा था जब मैं आप वीडियो बना रहा था, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इट्स 15, जब मैंने इसको प्रिंट कराया देन इट्स 15। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सपेंड हो जाती है, बेसिकली जब इस पे बाइनरी ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले ये सारी वैल्यूज को एक्सपेंड करता है जो कुछ भी आपने पास इसमें किया हुआ है। और कैसे एक्सपेंड करता है, सबसे पहले इसके पास आता है 1, तो ये रखता है 1, राइट। उसके बाद जब इसको अनपैक करेगा तो अगली वैल्यू जो मिलेगी 2, पहले ये ऐसे रखता है 1, एंड देन जब 2 मिलती है तो वो क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन उस पर लगाता है और 2 ऐसे कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू मिलती है 3, तो +3 करता है और ब्रैकेट्स इस तरीके से, एक जो हमारा एक्सप्रेशन होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, जब आप स्टैक्स के थ्रू आप ये देखते होगे कैसे स्टैक के थ्रू हम एक पोस्ट फिक्स ऑपरेशन एक्सप्रेशन को, जब हम इनफिक्स को जब हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हैं, वो एल्गोरिथम आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने स्टैक और ये डाटा स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो वहां पे ये चीज पढ़ाई जाती है। स्टैक ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, वहां पे ये यूज किया जाता है। तो ये हो गया 1 + 2 + 3, अगला आर्गुमेंट क्या आता है 4, तो उसके ऊपर भी ये प्लस जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे इसको एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाने के लिए वो ऐसे कन्वर्ट कर देगा। सबसे लास्ट में क्या आता है 5, तो ये फिर +5 करेगा और इसको एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाने के लिए अगेन ये ऐसे ब्रैकेट्स यूज कर देगा। तो इंटरनली
जब आप इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज ऐसे पास करते हो, तो ये जो कंपाइलर है हमारा, वो इसको बेसिकली ऐसे ही इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो हमारा जो ये फोल्ड, इस ऑपरेशन कहते हैं फोल्ड एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फोल्ड एक्सप्रेशन, जहां पे हम ऐसा करते हैं, ये बेसिकली इसको कहते हैं फोल्ड एक्सप्रेशन का यूज करना। तो ये कुछ करता नहीं है, ये सिंपल एक लाइन लिखी हुई है ऊपर, अप्लाई बाइनरी ऑपरेशंस टू अ सेट ऑफ पैरामीटर पैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इन सबको अनपैक करता है। आप इसको बेसिकली उसके साथ भी करके देख सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी, जैसे स्ट्रिंग के ऊपर भी अगर आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर आप अपनी कोई क्लास लिख सकते हैं, उस क्लास के अंदर प्लस ऑपरेटर आप लगा सकते हैं, फिर देखिए कि वो क्या करता है। आपके अपने हिसाब से डिफाइन कीजिए अपने प्लस ऑपरेटर को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कीजिए, और उसके बाद एक फंक्शन लिखिए और उसमें उसको पास कीजिए, और देखिए कि वो किस तरीके से प्लस ऑपरेटर को अगर आपने ओवरलोड किया है तो आउटपुट क्या देता है। जैसे स्ट्रिंग हमारी क्लास होती है, एक स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल बनाया हमने S1, उसमें डाला विकास, एंड देन स्ट्रिंग S2, इसमें डाला स्पेस शाक्या। तो यहाँ पर जब हम इसको स्ट्रिंग S3 करेंगे, देन इट विल बिकम S1 प्लस S2, ठीक है। अब इस S3 को अगर हम प्रिंट कराएं, cout entl S3 साक्या, ये प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स रन इट और फिर देखते हैं कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करती है नहीं, बिल्कुल काम की। तो विकास शाक्या ये हमारे पास आ गया। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टी के बजाय आप कुछ और दे सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, विकास एंड देन स्पेस शाक्या, ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट दे दिया, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी आया स्ट्रिंग में उसको प्रिंट करा दिया, राइट। तो देखते हैं इस पे काम करता है कि नहीं करता, लेट्स सी। ये यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर्म हियर, ये कुछ यहाँ पर कुछ सिंटेक्स एरर कर दी है मैंने, यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। लेकिन फंडा वही है। आप इसको विकास शाक्या जब पास करेंगे, तो बेसिकली विकास यहाँ पे आएगा एंड देन शाक्या आएगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपको बता दूंगा कि हाउ इट कैन बी डन। यहाँ पर मैंने इसको डाला है एंड लेट्स सी क्यों कंपाइल नहीं होता। इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक एंड कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक टू स्ट्रिंग, ओके, मैंने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या की है, स्ट्रिंग टाइप का इसको नहीं बनाया है। लेट्स मेक इट अ स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। दूसरा आर्गुमेंट भी दिया मैंने, और लेट्स सी। ठीक है, विकास शाक्य आ गया। आप समझ सकते हो किस तरीके से आपको ये करना है और इसका क्या पर्पस है, क्या मतलब है फोल्ड एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो आप फोल्ड एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। कुछ भी अगर ऐसा डाउटफुल हो जो आपको लगता हो कि नहीं समझ आया, यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट्स, इन द कमेंट्स, एंड आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए कि और इसमें क्या कमियां हैं जो मैं इसमें कंप्लीट कर सकता हूँ, उसको हटा सकता हूँ उन कमियों को, एंड देन और बेटर बना सकता हूँ आपके लिए बेसिकली जो वीडियोस मैं बनाता हूँ। लाइक सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स देयर, एंड वी विल मीट सून अगेन। टिल देन बाय बाय।